अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं इनसे क्यों माफी मांगू, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इससे इनका क्या रिलेशन? अरे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, बट तुम्हारी याददाश्त ना थोड़ी कमजोर है प्रियंका, तुम्हें याद दिला देता हूँ, कल तुमने भी जेके आंटी के साथ कुछ ऐसा ही किया था। दो ऑप्शन दिए थे ना तुमने उन्हें, एक ऐसे क्राइम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं, रिलेशन तो हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। कर्मा, घूम फिर के ना सब कुछ अपने ऊपर वापस आता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। हाँ, तुम्हारा कर्मा कुछ ज्यादा ही क्विक है। क्यों बैंकर, अब ये तो मेरी बाइको है और ये मेरी बात जरूर मानेगी, क्योंकि इस मामले में ना ये हमेशा मेरा साथ देते, सही का साथ देते। यार तुम क्या कर रही हो, इतना टाइम पास किस बात का प्रियंका? क्या है ना, तुम्हारे पीछे जो दो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं ना, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मिस्टर नौमान पुलिस बुला लेंगे, यहाँ से तुम जेल जाओगी, फिर तुम्हारा वो सड़वा सा वकील घर आएगा, बकवास करेगा, तमाशा होगा, कांड होगा, सोल्यूशन नथिंग। और ये कोई पार्टी तो है नहीं जहां पे तुम लोगों के बैग में सामान डाल दो और उनको भड़काओ। सीसीटीवी कैमरास, वीडियो है, सबूत है, सब कुछ है। साथियों की चोरी का टैग लगे नहीं ना, तुम माफी मांगो। कभी नहीं, मैं इस औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी। फिर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मिस्टर नौमान, कॉल लगाइए पुलिस को। बिल्कुल। एक मिनट, प्रियंका तुमसे एक्चुअली गलती हो गई। विराट सर ने जब पहली बार कहा था ना कि उस घर को छोड़कर चली जाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए था। ये सब होता ही, और तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि विराट सर प्यार और नफरत दोनों हद के पार करते हैं। मैंने तो नफरत की हद देखी है, इसलिए कह रही हूं। आइंदा जब ये कहे ना, चुपचाप चलती हो, फायदा तुम्हारा ही होगा। आज भी जो ये कह रहे हैं कर लो, जहान आंटी से माफी मांग, क्योंकि ये तो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे ही। मैं भी दूंगी, मैं क्या, जहान आंटी आई, हम सब गवाही देंगे। फिर ठीक है, कोई बात मत 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 मांगो माफी, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तुम जेल चली जाओगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने घर मतलब आहूजा हाउस। और तुम वहां नहीं रहोगी तो मेरे लिए कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। आप फोन कर दीजिए, आप बुला लीजिए। रुको, मेरे रास्ते से हटो। शो क्या हुआ भाभी, किसी का कॉल आने वाला है? नहीं, मैं तो
तुम्हारे भाई मतलब बहुत देर से मुझे परेशान नहीं किया ना, कहाँ है? घर पे नहीं, शायद बाहर गए होंगे, शायद मीटिंग होगी। अच्छा, अरे मीटिंग नहीं, मीटिंग थी, तीन तीन सब कैंसिल कर दी विराट ने। कितना बचता है? 15,70,000। ये विराट बुटीक में क्या कर रहा है? विराट सर बुटीक में है। हाँ, कुछ कपड़े और ज्वेलरी खरीद रहा। अब समझ में आया, मतलब भाभी के लिए शॉपिंग करने गए हैं। 15,70,000 पैसों की कदर ही नहीं, मैं बताती हूँ अभी। अरे गए भाई। अरे उसे जान दे, तू बता, पेपर तो सेफली रखे है ना? हाँ डर। आप एक काम कीजिए, आप ये पैक कर दीजिए। बेबी मैं ये सब पैक करा रही हूँ, एंड डोंट वरी, एल्युमिनियम के पैसे यूज नहीं कर। कर भी नहीं सकती, वो काम ब्लॉक्ड है, याद है ना? हम एक काम करते, हम वो ड्रेस ट्राई करते। नहीं नहीं, 50,000 में 500 साड़ी आएंगी। एक साड़ी 50,000। आंटी आप लोग कहाँ जा रहे हैं और सामान कहाँ सारा? अब वो मैंने साड़ी पहन के देखी तो इतनी खास नहीं लगी मुझे। चलो, मुझे बहुत पसंद आया है। एंड यू नो व्हाट, मैं पेमेंट भी कर चुका हूँ आंटी, आपकी साड़ी की भी, और वो जान आंटी को 2 सूट पसंद आए थे उसकी भी पेमेंट कर दी, अब तो लेना पड़ेगा। पर क्यों, ये गलत है विराट। ऐसे आंटी कम से कम यहाँ बाहर आके तो मत डांटिए। ये गलत बात है, आपको पता है हमारे पंजाबियों में ना वो क्या कहते हैं, रिवाज रिवाज होता है, त्योहारों पे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जन्माष्टमी आ रही है ना, तो ये आपके लिए। हाँ आंटी बचाइए ना, बताइए ना उनको, ये रिवाज होता है। हाँ भवानी, हम पंजाबी ना, मैं ये गिफ्ट शिफ्ट देना शकुन माना जाता है, ले ले। जान तू ऐसे क्या कर रही है, ये सही नहीं है, तुझे तो पता होना चाहिए ना। अरे पर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, मैंने भी तो दोनों सूट लिए ना, उसने मुझे गिफ्ट दिए, और अब तो मैं ना इसके साथ मैचिंग मेरे हेयर क्लिप भी देखूंगी। अरे जहान आंटी, वो तो मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं, मुझे पता था आपको ये चाहिए होंगे। देखिए, सुंदर है ना? हाँ हाँ, नजर ना लगे तुझे, ट्राई कीजिए ना, देखिए कितने सुंदर है। हाँ, आए, आए, देख। जहां तू क्या कर रही है? हेयर क्लिप देख रही हूँ। थैंक यू। आप लोग यहाँ क्या कर रहे? और सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखना कहाँ लेके आए ये। ओ गॉड, ये बुटीक तो अचानक से लोकल मार्केट लगने लग गया है। मिस्टर नोमान, एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने अच्छे बुटीक में किसी को भी इनवाइट कर लेते या फिर किसी को भी एंट्री दे देते हैं क्या? आई मीन कुछ चोरी हो गया तो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।